जब भी भूख लगती है तो कुछ बढ़िया स्नैक खाने का दिल करता है, और घर पर आलू तो पड़ा ही होता है, और साथ में थोड़ा सा अगर चीज़ हो, इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा चीज़ हो, तो बढ़िया चीज़ बॉल बन सकते हैं। अब चीज़ बॉल जो है ना, उसके बनाने की एक नहीं अनेक रेसिपीज़ हैं। आप चाहें तो सॉल्ट और पेपर, थोड़ी सी हर्ब्स डालकर बढ़िया चीज़ का इस्तेमाल करके एक अच्छा चीज़ बॉल बना सकते हैं, या आप फुल ऑन पंजाबी स्टाइल नमक मिर्च मसाले डालकर, हरी मिर्च डालकर, थोड़ी सब्जियां डालकर एक बढ़िया टेस्टिंग चीज़ बॉल बना सकते हैं इन नो टाइम। हमारी आज की जो रेसिपी होगी थोड़ी चटपटी होगी, एट द सेम टाइम उसका जो सेंटर होगा विल बी अमेजिंगली गुई चीज़ी। तो आज बनाएंगे हम चीज़ बॉल, शुरू करते हैं। देखिए, चीज़ बॉल बनाने के लिए ना सबसे इम्पॉर्टेंट है मिक्सचर, उसके बाद उसकी क्रम्बिंग एंड देन फ्राइंग। हाँ, मिक्सचर इज़ वेरी इजी। हमें दो चीज़ का बेस बनाना है, एक है पोटैटो का जो ये बॉइल्ड एंड मैश्ड है, और इसके अंदर हमें ढेर सारा चीज़ डालना है। अब चीज़ जो है ऑन इट्स ओन आप फ्राई करेंगे ना तो वो फट जाता है, वो जैसे आप तेल में डालेंगे तवे पे भी अगर आप फ्राई करते हैं तो वो ऊज आउट हो जाएगा। इसलिए चीज़ को कंटेन करने के लिए या तो आप डालिए खूब सारा मैदा या पोटैटो बॉइल्ड एंड मैश्ड, वो भी बढ़िया रहता है। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक, ये बारीक कटा हुआ धनिया, ये है कॉर्न उबली हुई मक्की, उसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, थोड़ी सी ये डालेंगे। इसमें मैं डाल रहा हूँ बारीक कटा हुआ प्याज। अगर आप अदरक लहसुन प्याज नहीं खाते, यू कैन अवॉइड दिस, इट्स परफेक्टली ओके। इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ शिमला मिर्च। अब शिमला मिर्च थोड़ी लाल थोड़ी हरी, दोनों बढ़िया लगती हैं, लुक एट ऑल दोज कलर्स। और किसी ने कहा है कि आपकी डिश के अंदर जितने अलग अलग रंग होंगे उतना ही अलग अलग तरीके का न्यूट्रिशन उस डिश में होगा। अब हीट के लिए थोड़ी सी हरी मिर्च, वाह नाइस, थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक, मैं डाल रहा हूँ थोड़ा पेपर, आप चाहे तो चिली पाउडर, थोड़ा कोरिएंडर पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला, वो सब भी डाल सकते हैं, बट आई एम ट्राइंग टू कीप द फ्लेवर्स सिंपल ताकि जो चीज़ का फ्लेवर है वो मैक्सिमम आए। इसलिए थोड़ा पेपर, थोड़ी हरी मिर्च और जिंजर इज़ गुड इनफ फॉर द हीट। थोड़ी ताजगी के लिए ना इसमें पुदीने के पत्ते, जस्ट अ लिटिल ना। इसमें जाएगा मेन इंग्रेडिएंट, ढेर सारा ग्रेटेड चीज़। आप इसके अंदर प्रोसेस चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास पामेजान है दैट वर्क्स वेल। इसके अंदर चेडा चीज़ भी अच्छा लगता है। बेसिकली कोई भी सॉफ्ट या फिर हार्ड चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हम मिला लेंगे अच्छे से। कई बार जब हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं ना, चीज़ बॉल ऑर्डर करते हैं, बड़ी प्लेन जेन सा आता है वो, क्रम फ्राइड होता है, थोड़ा सा मैदे की कोटिंग होता है और अंदर वो मोज़रेला चीज़ होता है। जब भी मैं खाता हूँ ऐसा नहीं मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे ऐसा लगता है नहीं यार, मतलब थोड़े मसाले, थोड़ा सा चटपटा होना ज़रूरी है। शायद इंडियन फूड इतना कॉम्प्लेक्स है, इन द राइट टोन आई एम सेइंग कॉम्प्लेक्स है, मतलब इतने सारे मसाले और इतना कुछ होता है कि बिल्कुल सादा ना समा मुझे पसंद नहीं आता। मुझे पसंद आता है थोड़ा चटपटा, अच्छे से मिक्स। ओहो वेरी नाइस, नाइस चीज़ का फ्लेवर, क्रंचीनेस है अनियंस की, पेपर्स की, और वो जो मिर्ची है ना उसकी हीट, ब्यूटिफुल मिक्स हो गया। जस्ट टू बी श्योर इसके अंदर थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब मैं डाल रहा हूँ, ज़रा सा, सो दैट ये पकते वक्त ऊज आउट ना हो, फटे ना। देयर यू गो, लुक एट दैट, मिक्सर तैयार है। अब इसे हमें शेप करना है और इसे क्रम्ब और फ्राई करना है ना। थोड़ा सा मिक्सचर लेना है, लाइटली इसे यूँ राउंड शेप देनी है, और उसके बाद उसके बीच में हम डालेंगे एक
चीज का क्यूब। नाउ दिस इज ऑप्शनल, बट सेंटर में जब आप चीज डालेंगे, इसे फ्राई करेंगे, तो एक बढ़िया नाइस सॉफ्ट मोल्टन ऊजी चीज सेंटर मिलेगा और चीज बॉल हमारी कंप्लीट लगेगी। अदरवाइज तो फिर स्पाइसी आलू टिक्की लगेगी ना, इसलिए ये चीज जो सेंटर दिया है ये इंपॉर्टेंट है। और आप चाहें तो इसका मिनी साइज भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से थोड़ा बड़ा साइज भी बना सकते हैं। नाउ सबसे पहले हम बनाएंगे स्लरी। नाउ स्लरी क्या होती है? बेसिकली मैदा, हल्का सा मामूली सा नमक और पानी। अब पानी इतना डालना है कि बहुत ही थिक सा एक बैटर बन जाए, काफी गाढ़ा। अच्छे से मिक्स करेंगे एंड जस्ट टू शो यू इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो होती है काफी गाढ़ी, देख रहे हैं? ये स्लरी तैयार। एक प्लेट में हम डालेंगे सूखा मैदा, जस्ट अ लिटिल। अब अलग से एक प्लेट के अंदर हम डालेंगे ड्राइड ब्रेड क्रम्स। अब क्या करना है? सबसे पहले हमें जो चीज बॉल्स हैं उसे ड्राई फ्लावर में लाइटली रोल करना है, इस तरीके से। एंड उसके बाद जो एक्सेस है उसे हम शेक ऑफ कर देंगे यूं। उसके बाद इसे हम डालेंगे इस स्लरी के अंदर, जहां पर इसे हम पूरी तरीके से डुबो देंगे ताकि जो बैटर है उसके ऊपर अच्छे से चिपक जाए। थोड़ा सा बैटर को हम इस तरीके से झड़क लेंगे और अब ये जाएगा ब्रेड क्रम्स में। ब्रेड क्रम्स में इसे पूरे अच्छे से नहला देना हमें, इस तरह। ये देखिए चीज बॉल तैयार है, एक तैयार है, बाकी को भी इसी तरीके से क्रम हम कर लेंगे। और ये आखिरी क्रम्बिंग हो गई है, अब इसे हमें फ्राई करना है। लाइक आई सेड, अगर आप चाहें तो इसे छोटे कॉकटेल साइज भी बना सकते हैं या फिर यूं बड़े बड़े पोर्शन भी बना सकते हैं। बड़ा पोर्शन बनाने का फायदा यह कि अंदर जो चीज है वो आप एक्स्ट्रा भर सकते हैं। दैट्स ऑल। बढ़िया स्नैक, क्रंची, थोड़ा सा स्पाइसी, विद अ वेरी नाइस सॉफ्ट चीज सेंटर, डन।